Next question. Question says a body moves a distance of 10 meter along a straight line under the action of a 5 Newton force. If the work done is 25 joule, then the angle between force and the direction of motion of the body will be, or हमारे option है 60 degree, 75 degree, 30 degree या 45 degree. Now आसान सवाल है. अपने को ये पता है कि work done जो होता है, उसे हम लिखते हैं F dot S. इसको हम लिख सकते हैं F S cos theta. सो यहाँ पे अपने को डेटा दिया हुआ है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है. सो वर्क डन जो दिया है अपने को वो है 25 जूल, और जो आपका फोर्स लगा है यहाँ पे, फोर्स की वैल्यू है 10 मीटर चला है, फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन है. सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा. सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 25 डिवाइड बाई हो जाएगा 50 विल बी इक्वल टू 1/2 इम्प्लाइज आपका थीटा हो गया 60 degree. So based on this, हम कह सकते हैं कि 60 degree option number A would be the right answer.